एवरीवन, दिस साइड निपल गाइस, आई एम हियर टू डिस्कस समथिंग इम्पोर्टेंट रिलेटेड टू एलेट एंड एलसेट। ओके, वी नो वेरी वेल कि एलेट और एलसेट में पजल्स आते हैं, ठीक है। अब पजल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज पजल्स में वी नो वेरी वेल कि एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस तो हर एक सेट में होते हैं, तो उसको करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू क्लियर द कट ऑफ ऑफ दैट सेक्शन। ओके, सो द पॉइंट हेयर इज, आज के सेशन में अपन ये देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में एलसेट और एलेड में किस टाइप के पजल्स आए, और जो पजल्स अपन यहाँ फोकस करने वाले हैं वो बेसिकली कंडीशनल पजल्स हैं, ठीक है। और उस कंडीशनल पजल्स की एक कैटेगरी होती है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है टीम सिलेक्शन। सो एलेड में और एलसेट में जो भी पजल्स आए हैं, ठीक है, वो कंडीशनल ही ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, और उसमें भी ज्यादा जो पूछा जाता है वो है टीम सिलेक्शन, ठीक है। सो माय पॉइंट हेयर इज, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट और एलसेट, ऑलवेज प्रैक्टिस कंडीशनल पजल्स विथ टीम सिलेक्शन। ओके, सो टीम सिलेक्शन वाले जितने भी पजल्स आपके पास हैं उनको प्रैक्टिस करो आप, ठीक है। सो यू नो, जैसे अपने आरएसएम्स में, हमारे स्टडी मटेरियल में इनफ कंडीशनल पजल्स हैं, अगर आप वो भी कर लेते हो दैट इज मोर देन सफिशियंट, बिकॉज उन असाइनमेंट्स में सब कुछ कवर्ड है, ठीक है, हर पॉसिबिलिटी कंडीशनल पजल्स की जो होती है वो सब कुछ कवर्ड है। सो यू नो डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स, तो स्टडी मटेरियल में जितना है दैट इज सफिशियंट। फिर आप प्रैक्टिस के लिए सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करो टाइम बाउंड, सो दैट आप टाइम पे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट। ओके, बिकॉज ये पजल्स आप स्किप करना अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। इसमें बस जो कंडीशंस होती है ना उनको आपको बस प्रॉपर प्लॉट करना है और क्वेश्चंस की कंडीशंस को वेरीफाई करना है, ठीक है। कोई अरेंजमेंट नहीं करना पड़ता, कोई पूरा पजल सॉल्व नहीं करना पड़ता, कुछ डायरेक्शंस में कंडीशंस होती हैं उनको अपन को बस लिख लेना है और फिर क्वेश्चन की कंडीशन को पढ़ के उन कंडीशंस का यूज करके आंसर देना है बस, ठीक है। तो एक पॉइंट बहुत क्लियर है कि इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट एंड एलसेट, प्लीज प्रैक्टिस टीम सिलेक्शन पजल्स, ठीक है। तो आज के सेशन में अपन क्या करने वाले हैं, एलेट का रिसेंटली 21 में जो पजल आया था वो भी टीम सिलेक्शन के ऊपर ही था, ठीक है। तो आज अपन एलेट में जो पजल आया था वो भी अपन करके देख लेते हैं, और एलसेट में भी जो टीम सिलेक्शन का पजल आया हुआ है वो भी अपन आज करके देख लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप के पजल टीम सिलेक्शन के आते हैं और उनको अप्रोच कैसे करना है और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की, ठीक है। सो द पॉइंट हेयर इज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट एंड एलसेट, डू नॉट स्किप कंडीशनल पजल्स और आई कैन से दैट टीम सिलेक्शन पजल्स, ठीक है। तो अपन क्या करने वाले हैं उसको स्टार्ट करते हैं, सो दैट आपको और क्लियर हो जाए कि इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, इस पर्टिकुलर सेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज ये पार्ट पेपर में आता ही है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले एलेट से, ठीक है। सो एलेट में देखो, आपके सामने ये एलेट 21 में ये पजल आया था, ठीक है, एलेट 21 में ये पजल आया था। तो मैंने क्वेश्चन नंबर भी 106 टू 108 लिखा है बिकॉज क्वेश्चन नंबर ही 106 और 108 पे ये क्वेश्चन था, ठीक है। सो क्वेश्चन बेसिकली क्या था, आप देखो डायरेक्शन पढ़ो पहले, ठीक है। तो डायरेक्शन में क्या गिवन है, अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ 4 प्लेयर्स फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। तो एक टेनिस कोच है जो 4 प्लेयर की एक टीम बनाना है, ठीक है, जो टूर्नामेंट होना है उसके लिए 4 प्लेयर्स की एक टीम बनाना है टेनिस कोच को, ठीक है। और उसके लिए फॉर दिस 7 प्लेयर्स आर अवेलेबल, उसके लिए 7 प्लेयर्स हैं, मेल्स एबीसी। सो बहुत क्लियर है जेंडर के रिस्पेक्ट पे अपन को गिवन है दैट ए बी सी, ओके। सो वी हैव मेल्स एंड फीमेल्स डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सो डब्ल्यू एक्स वाई जेड फीमेल्स है। सो इसमें जो डायरेक्शन गिवन है उसमें जेंडर वाइज कैटेगराइज है, एबीसी मेल्स हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड फीमेल्स है, ठीक है। नाउ ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी एंड एटलीस्ट 2 मेल्स विल हैव टू बी देयर इन द टीम। सब प्लेयर्स की कैपेबिलिटी सेम है, ठीक है, मतलब आप सिलेक्ट जो भी करोगे सबकी एबिलिटी सेम है, ऐसा कुछ नहीं कि कैपेबिलिटी से कुछ चेंजेस आएंगे सिलेक्शन में, ठीक है।
और एटलीस्ट दो मेल्स तो सेलेक्ट करनी है। तो अपन को टीम कितने की सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4। सो टेनिस कोच को 4 प्लेयर्स की टीम सेलेक्ट करनी है, जिसमें एक और कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 2 मेल शुड बी देयर। सो इफ आई डिनोट मेल्स विद पॉजिटिव साइन एंड फीमेल्स विद नेगेटिव साइन, सो 2 मेल्स तो रखनी ही है, ठीक है, टीम में 2 मेल्स तो रखनी ही है। नाउ फॉर अ टीम ऑफ 4, ऑल प्लेयर्स मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर। अब जो टीम बनेगी तो उसमें सब प्लेयर्स एक दूसरे के साथ खेलने भी चाहिए, क्योंकि सबकी एबिलिटी सेम है, ठीक है। नाउ कुछ कंडीशन है, बट बी कैन नॉट प्ले विथ डब्ल्यू। तो ऐसा कोई सिलेक्शन नहीं हो जिसमें बी डब्ल्यू हो, क्योंकि बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। सो ये एक कंडीशन है कि बी डब्ल्यू के साथ नहीं खेल सकता। सी कैन नॉट प्ले विथ जेड, तो सी जेड के साथ नहीं खेल सकता। एंड डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई, एंड डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई। तो ये कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो जो भी टीम बनेगी उसमें बी डब्ल्यू साथ नहीं होने चाहिए, सी जेड साथ नहीं होने चाहिए, डब्ल्यू वाई साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। सो ये एक रिस्ट्रिक्शन है, वो अपन को ध्यान में रखना है। तो पॉइंट बहुत क्लियर है कि 4 लोगों की टीम सेलेक्ट करनी है, एबीसी मेल्स हैं, डब्ल्यू एक्स वाई जेड फीमेल है, एटलीस्ट 2 मेल्स होने ही चाहिए, और कौन साथ नहीं होने चाहिए टीम में वो भी क्लियर है, ठीक है। तो अब बस इतना अपन को क्या करना है, एग्जाम में कंडीशंस को लिख लेना है, उसके बाद देन वी हैव टू स्विच टू क्वेश्चंस। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इफ वाई इज सिलेक्टेड। कंडीशनल पजल्स के जो ये टीम सिलेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, ये इफ से स्टार्ट होते हैं। इफ मतलब कंडीशनल पजल्स के क्वेश्चंस है। इफ वाई इज सिलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड, ओके, नाउ बहुत क्लियरली गिवेन है। इफ वाई इज सिलेक्टेड, सो वाई इज फीमेल, सो वाई इज सिलेक्टेड, ओके, एंड बी इज रिजेक्टेड, तो बी को सिलेक्ट करना नहीं है, ठीक है। देन द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ दी फॉलोइंग ग्रुप्स। तो कौन सी टीम है जो एग्जिस्ट कर सकती है एज पर दी कंडीशंस, ठीक है। तो वी नो वेरी वेल कि बी होना नहीं है, बी को तो रिजेक्ट करना है, तो एटलीस्ट 2 मेल्स भी मेंटेन रखना है। तो ऑब्वियसली आई विल सिलेक्ट ए एंड सी, दैट इज मस्ट, क्योंकि 2 मेल्स तो रखनी है। वाई जो है वो क्लियरली जो है सिलेक्टेड है, वो क्लियरली गिवेन है। सो देन वी आर लेफ्ट विथ फोर्थ पोजिशन। फोर्थ प्लेयर कौन सा हो सकता है डब्ल्यू एक्स जेड में, बट वी नो वेरी वेल कि सी के साथ जेड नहीं आएगा, ठीक है, सी के साथ जेड नहीं आएगा, ठीक है। एंड और क्या पता है अपन को, डब्ल्यू वाई साथ में नहीं होने चाहिए, तो डब्ल्यू वाई भी एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। डब्ल्यू भी एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि डब्ल्यू वाई साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि वाई ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ठीक है। सो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ ओनली वन फीमेल, दैट इज एक्स, ओके। सो ए सी वाई एक्स इज दी फीजेबल पेयर विच विल सेटिस्फाई ऑल दी गिवन कंडीशन। सो विच इज दी ऑप्शन, ए सी वाई एक्स, दैट इज ऑप्शन बी, ओके। सो दैट इज वेरी क्लियर टू यू कि कैसे अपन को कॉल करना है इसको सॉल्व, ठीक है। नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। इफ बी इज सिलेक्टेड एंड वाई इज रिजेक्टेड, तो बहुत क्लियर है बी सिलेक्टेड है और वाई रिजेक्टेड है, ठीक है, बी सिलेक्टेड है और वाई रिजेक्टेड है। द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, तो फिर टीम किसकी होगी, कौन सा ग्रुप एग्जिस्ट कर सकता। अब भाई बिल्कुल क्लियर है बी है, तो डब्ल्यू नहीं होना चाहिए, है ना। और अपन को पता है वाई रिजेक्टेड है, क्लियर गिवन है वाई रिजेक्टेड है, तो पहले तो वो ऑप्शन हटाई दो जिसमें वाई है। वी कैन सी दैट बी और डी जो है वो ऑप्शन में दिख रहा है आपको, इन दोनों ऑप्शन में वाई है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, क्योंकि वाई तो रिजेक्टेड है, ठीक है। सो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट दीज टू ऑप्शंस, ओके। नाउ वी नो दैट बी सिलेक्टेड है, तो डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, तो अपने पास तो दो ऑप्शन बचे हैं, उसमें बी डब्ल्यू साथ नहीं होना चाहिए, तो मैं ए ऑप्शन देख रहा हूं जिसमें बी और डब्ल्यू साथ में है, तो स्ट्रेट अवे एलिमिनेट दिस ऑप्शन। सो दैट मीन्स आंसर इज ए बी सी एक्स, ओके। सो दिस इज द फीजेबल वे, दिस इज ऑल्सो द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। क्योंकि वाई रिजेक्टेड है तो वाई वाला ऑप्शन हटा दिया, और बी सिलेक्टेड है तो बी के साथ कौन नहीं आएगा डब्ल्यू, तो अगर कोई भी ऑप्शन बी डब्ल्यू वाला है वो भी रिजेक्ट कर दो, तो जो बचा हुआ ऑप्शन है वो अपना आंसर है। सो ए बी सी एक्स बिल्कुल परफेक्ट है, सो दैट इज द आंसर, ओके। नाउ द नेक्स्ट, इफ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, ओके। नाउ ऑल द 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, सो ए बी सी ऑल दी 3 मेल्स आर सिलेक्टेड, एटलीस्ट 2 मेल्स थे, मिनिमम तो 2 मेल्स लेने ही थे, तो तीनों मेल ले लिए, ठीक है, क्योंकि गिवन है ऑल दी 3 मेल्स आर सिलेक्टेड।
देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशन ऑफ फोर मेंबर टीम्स आर पॉसिबल, तो फोर फोर मेंबर की कितनी टीम्स बन सकती है, ठीक है देख लेते हैं. सो वी नो वेरी वेल कि ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है ये रिस्ट्रिक्शंस अगर अपन देखें यहाँ पे तो ए पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. बी के साथ सी वी हैव डब्ल्यू एक्स वाई जेड है ना, तो बी के साथ डब्ल्यू नहीं आएगा, ठीक है सी के साथ जेड नहीं आएगा, बस बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है. सो दैट मीन्स फोर्थ पे एक्स आ सकता है ए बी सी एक्स, ओके एंड वन मोर, दिस इज दी वन पॉसिबिलिटी. सेकेंड पॉसिबिलिटी ए बी सी, ठीक है एक्स हट गया सो दैट कुड बी वाई, तो वाई बी वाई कुड बी देयर. सो एक्स और वाई से इनको यूज करके टीम बनाई जा सकती है, तो ए बी सी एक्स ए बी सी वाई, सो देर आर टू पॉसिबिलिटी, सो आंसर इज ऑप्शन बी. ओके तो दिस वॉज दी सेट, वेरी डुएबल सेट विथ थ्री क्वेश्चन ओनली. देख लिया आपने, जेंडर वाइज कैटेगराइज था, टीम सिलेक्ट करनी थी, मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशंस गिवन थी, और कौन साथ होगा कौन नहीं होगा ये भी बहुत क्लियर था, ठीक है. सो प्रैक्टिस करो इस टाइप के पजल्स को, ठीक है स्कोरिंग है, और जितना भी एलेड में भी नो वेरी वेल कि ए आर और सी आर कंबाइंड होता है, ठीक है. तो ए आर में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो पहले अटेम्प्ट करना, पजल तो पहले प्रेफरेंस पे रखना, क्योंकि यार अगर वो पजल डुएबल है जैसे कि ये आया है अभी, तो यू कैन फेच थ्री मार्क्स इजीली. ओके सो नाउ लुक फॉर एल सेट, ठीक है अब एल सेट का डिस्कशन भी करते हैं. नाउ एल सेट का मैंने एक सैंपल पेपर से ये क्वेश्चन उठाया जो आया था, तो एल सेट भी यही फॉलो करता है, कंडीशनल पजल्स फॉलो करता है, जो भी पजल्स होते हैं उनके पजल्स में भी कंडीशंस रहती हैं. तो एल सेट आप अगर आप एल सेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एलडेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो कॉमन स्ट्रेटेजी है, कंडीशनल पजल मैंने बता ही दिया. तो इसमें भी यही है, देख लेते हैं इसमें क्या गिवन है. फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ सेवन पीपल, सो नाउ देयर आर सेवन पीपल, एग्जैक्टली फोर विल बी सिलेक्टेड टू अटेंड अ डिप्लोमेट्स रिटायरमेंट डिनर. तो वही है अब जैसे पहले था फोर मेंबर्स की टीम, तो यहाँ पे भी फोर मेंबर्स की टीम सिलेक्ट करनी है, ठीक है. तो सात लोग हैं जिसमें से सिर्फ चार मेंबर की टीम सिलेक्ट करनी है. सिलेक्शन कन्फर्म्स टू दी फॉलोइंग कंडीशन, तो देखो कंडीशन है ना, इसलिए इनको कंडीशनल पजल्स कहा जाता है. तो कंडीशन क्या है उसको अपन को बहुत ध्यान से समझना होगा. नाउ फर्स्ट कंडीशन क्या है, इधर जे और के मस्ट बी सिलेक्टेड. गाइस मस्ट मतलब होना ही चाहिए, जे और के में से कोई एक होना ही चाहिए. बट जे एंड के कैन नॉट बी सिलेक्टेड, बट ये दोनों साथ नहीं होने चाहिए. सो फर्स्ट कंडीशन बहुत क्लियर है कि जे या के में से कोई एक होना ही चाहिए, मस्ट, ठीक है. इसे कोई भी सिलेक्शन नहीं हो जिसमें जे और के है ही नहीं, तो जे या के में से कोई एक होना है, लेकिन जे और के साथ में नहीं होने चाहिए, दोनों नहीं होने चाहिए, ठीक है. सेकंड, आइदर एन और पी मस्ट बी सिलेक्टेड, सेम क्लू, एन और पी में से कोई एक होना ही चाहिए, लेकिन बट एन एंड पी कैन नॉट बी सिलेक्टेड टूगेदर, तो एन और पी साथ में नहीं होना चाहिए, ठीक है. नाउ थर्ड, एन कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस एल इज सिलेक्टेड, ये ध्यान से समझना. एन आप तब तक सिलेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपने एल सिलेक्ट नहीं किया है. सो दैट मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि एन कैन ओनली बी सिलेक्टेड प्रोवाइडेड दैट यू हैव सिलेक्टेड एल, तो अगर एन सिलेक्ट करना है तो एल होना जरूरी है, ठीक है. और फोर्थ कंडीशन क्या है, क्यू कैन नॉट बी सिलेक्टेड अनलेस के सिलेक्टेड, सेम है, जब तक K सेलेक्ट नहीं होगा Q सेलेक्ट नहीं होगा, तो अगर Q सेलेक्ट करना है तो K होना चाहिए, N सेलेक्ट करना है तो L होना चाहिए, ठीक है. ये थोड़ी ट्रिकी कंडीशंस हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे ये टाइप के क्लूज तो डूएबल है, ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं. इफ P इज नॉट सिलेक्टेड, बहुत क्लियरली बोल दिया, इफ P इज नॉट सिलेक्टेड टू अटेंड द डिनर, देन एग्जैक्टली हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फोर आर देयर, Each of which would be an acceptable selection, ठीक है. तो क्या बोला गया अपन को, बहुत क्लियरली बोला गया है कि P select नहीं करना है, ठीक है, if P is not selected. तो second condition क्या बोलती है कि N और P में से कोई एक तो होना चाहिए, पर अब बोल दिया ना कि P नहीं होना है, ठीक है. So four members की team अपन को select करनी है, four members की team अपन को select करनी है, जिसमें P को select करना नहीं है. जब P को नहीं करना है तो N को करना ही पड़ेगा, because N या P में से कोई एक लेना ही है, तो n तो लेना ही पड़ेगा, बट ऑब्वियस, ठीक है. तो n अगर अपन ने ले लिया तो अपन को थर्ड कंडीशन क्या था कि n सिर्फ तभी लिया जा सकता है जब
एल ओवर, ठीक है? तो एन लेंगे तो एल होना जरूरी है. नाउ हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फोर आर देयर, ईच ऑफ विच वुड बी एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन. तो अपन को पता है एन और एल तो होनी चाहिए. अब फर्स्ट कंडीशन क्या बोलती है कि जे और के में से भी कोई एक होना जरूरी है. तो अपन एक एक करके बनाते हैं. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी बनाते हैं, व्हेन आई टेक जे, तो अगर जे है तो के नहीं होगा, ठीक है? सो सी, जे के एल एम एन और पी और क्यू है, ठीक है? तो इसमें अपन का एल और एन क्लियर है, ठीक है? तो वी नो दैट एन और पी में से पी तो सिलेक्ट करना नहीं था, तो पी भी हटा दिया. जे अपन ने सिलेक्ट कर लिया, तो अब मैं के सिलेक्ट नहीं करूंगा. देन वी आर लेफ्ट विथ ओनली एम एंड क्यू. लेकिन जिसमें क्यू में से तब ले सकता हूं जब के हो, है ना? सो आई विल नॉट टेक क्यू, सो ओनली ऑप्शन इज एम. सो दैट इज द वन वे टू सिलेक्ट व्हाट, फोर पर्सन फॉर द डिनर. नाउ सेकेंड पॉसिबिलिटी कुछ बन सकती है क्या? वी नो दैट चार मेंबर्स का पजल सिलेक्शन है, तो एल और एन तो होना ही है, क्योंकि एन तो लेना ही है, क्योंकि पी लेना नहीं है तो एन तो लेना ही है, ठीक है? अब जे के साथ क्या आ सकता था अपन ने देख लिया, और कोई ऑप्शन नहीं है, है ना? जे का अपन ने देख लिया, जे सिलेक्ट करके सिर्फ एक ही चीज बननी है, एक ही सिलेक्शन बनना है. सो नाउ आई विल सिलेक्ट व्हाट, आई विल सिलेक्ट के. अब के लेते हैं, ठीक है? अब के पे चेक लगा देते हैं अपन, ठीक है? के से क्या हो सकता है? सी गाइस, एल और एन तो अपन ने ले लिया, के मैंने सिलेक्ट किया तो मैं जे नहीं लूंगा, ठीक है? नाउ पी सिलेक्ट करना नहीं था, क्योंकि पी इज नॉट सिलेक्टेड फॉर द डिनर. सो वी आर लेफ्ट विथ टू ऑप्शंस, एम और क्यू. दोनों ले सकते हैं, क्योंकि एम और क्यू पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो क्यू तो बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि के ऑलरेडी सिलेक्टेड है. तो क्यू इज द फर्स्ट वे. एंड थर्ड पॉसिबिलिटी विल बी के एल एन तो है ही, ठीक है? तो एक एम आ जाएगा, तो दैट इज द थर्ड पॉसिबिलिटी. सो देर आर थ्री वेज टू सिलेक्ट फोर पर्सन फॉर द डिनर. ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन सी. क्लियर टू एवरीवन? ठीक है. सो ये बहुत थोड़ा ट्रिकी है, पर बहुत क्लियर. अगर अगर आप कंडीशनल क्लूज के साथ क्लियर हो ना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं. ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. देर इज ओनली वन एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ फोर. ओनली एक ही ग्रुप है एक्सेप्टेबल, दैट कैन बी सिलेक्टेड टू अटेंड द रिटायरमेंट डिनर इफ 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 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पीपल इज सिलेक्टेड. तो वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सा पेयर मैं सिलेक्ट करूं जिससे फिर एक ही एक्सेप्टेबल पेयर बने. मतलब कोई पॉसिबिलिटी बने ही नहीं, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी हो, ठीक है? मतलब इसमें से कौन सा पेयर आप सिलेक्ट करो जिससे सिर्फ एक ही सिलेक्शन पॉसिबल है, एक ही टाइप का, ठीक है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. तो ठीक है, चेक करते हैं ऑप्शन वाइज. तो लेट्स चेक विद द ऑप्शन. फर्स्ट है जेएल, ठीक है? तो जेएल, अगर मैं जे और एल सिलेक्ट करता हूं, ठीक है? सो चार मेंबर की टीम बनानी है, तो क्या एक ही टीम बनेगी क्या, चेक कर लेते हैं. तो जे और एल लिया है, तो जे तो अब इसमें वही जे के एल एम एन पी क्यू में अगर अपन देखें, सो मैंने जे ले लिया, ठीक है? तो मैं के नहीं लूंगा. एल सिलेक्टेड है, जे एल, ठीक है? अब क्या क्या हो सकता है, वी नो दैट एन और पी में से कोई एक लेना है, ठीक है? सो इफ आई टेक, कैन आई टेक एन? यस, क्योंकि एन लेना है तो एल होना चाहिए. सो आई हैव टेकन एन, तो मैं फिर पी नहीं लूंगा, ठीक है? सो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ सकता है, एम आ सकता है ना? एम आ सकता है, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? सो दैट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी, जे एल एन एम, ठीक है? तो दूसरा अगर अपन देखें, सो कैन आई, अच्छा मैंने यहाँ पे एम तो ले लिया, कैन आई टेक क्यू? क्यू तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने जब एम ले लिया तो मैं क्यू क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि क्यू है तो के होना जरूरी है, ठीक है? सो इसलिए आई विल नॉट टेक क्यू. ओके, सो दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी विथ जे एल एन एम, ठीक है? नाउ द पॉइंट हेयर इज कि जे एल एन एम में तो ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है जे एल एन एम में, ठीक है? तो जे के एल एम एन पी क्यू, जे के एल एम एन पी यू में, तो मैंने मैंने जे ले लिया, एल ले लिया, ठीक है? अब मैं पी ले लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि पी और एन में से कोई एक ही लेना है, ठीक है? आई एम नॉट टेकिंग एन, क्योंकि पी ले लिया है तो, ठीक है? तो जे एल पी हो गया. क्यू मैं लूंगा नहीं, क्यू क्यों नहीं लूंगा, क्योंकि के होना जरूरी है, तो मेरे लिए बचा एम. सो दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, जे एल एन पी, जे एल पी एम. सो दिस इज नॉट द आंसर, क्योंकि इससे पॉसिबिलिटी बन रही है, मेरे को वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें पॉसिबिलिटी बने ही नहीं, ठीक है? तो लेट्स चेक फॉर नेक्स्ट. हम नेक्स्ट चेक कर रहे हैं, तो नेक्स्ट चेक कर रहे हैं अपन के एम, ठीक है? तो के और एम सेकेंड ऑप्शन. तो जे के एल एम एन पी क्यू,
ठीक है, तो के और एम सिलेक्टेड है, ठीक है, दो और प्लेयर सिलेक्ट, दो और पर्सन सिलेक्ट करने डिनर के लिए, तो के एम सिलेक्टेड है, ठीक है, के लिया है तो मैं जे ही नहीं लूंगा, ठीक है। नाउ वी आर लेफ्ट विद टू ऑप्शन, नाउ एल और एन ले सकता हूं मैं, है ना, क्योंकि एन है तो पी नहीं है, ठीक है, और एन से तब ले सकता हूं जब एल ओ, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। के एम के साथ और क्या हो सकता है, के एम के साथ और क्या हो सकता है, सी एल, अगर मैं एन सिलेक्ट नहीं करता हूं, ठीक है, तो मेरे को पी लेना ही पड़ेगा, ठीक है, तो फिर क्यू भी ले सकता हूं, क्योंकि क्यू से तभी ले सकता हूं जब के ओ, तो ये भी तो पॉसिबिलिटी बन रही है, तो मैं ये ऑप्शन तो है ही नहीं क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रही है, तो के एम पी क्यू भी इज दी, के एम पी क्यू भी एक वे है फोर मेंबर सिलेक्ट करने का, के एम एल एन भी है, सो ये ऑप्शन अपन रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक फॉर थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन में देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, तो थर्ड ऑप्शन क्या है, एम क्यू, तो एम और क्यू ले लिया मैंने, सो वी हैव जे के एल एम एन पी क्यू, सो नाउ लेट्स चेक, तो एम और क्यू तो मैंने ले लिया, ठीक है, दो मेंबर्स और लेने हैं मेरे को, ठीक है, तो ए की पॉसिबिलिटी बन रही है क्या, या फिर देखें कितनी बन रही है, एम और क्यू, तो क्यू तो देखो क्यू तो सिर्फ ले ही तब सकते हैं जब के सिलेक्टेड हो, तो के मुझे रखना ही पड़ेगा, तो जब मैंने के रख दिया तो मैं जे नहीं लूंगा, ठीक है, सो दैट मीन्स वी आर लेफ्ट विथ थ्री पर्सन, अब ध्यान देना, ठीक है, अब ये जो तीन पर्सन हैं जिसमें देखो मैं अगर मैं एन लूंगा, इफ आई सिलेक्ट एन देन आई हैव टू सिलेक्ट एल ऑल्सो, बट एक ही पर्सन सिलेक्ट करना है, ठीक है, एक ही स्लॉट है अपने पास, सो आई विल नॉट टेक एन, और जहां मैंने एन रिजेक्ट किया तो मुझे पी तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि एन और पी में से एक लेना जरूरी है, सो आई विल टेक पी, ओके, सो दैट इज द ओनली वे टू फॉर्म द अरेंजमेंट, ओके, ऑफ फोर पर्सन, सॉरी सिलेक्शन ऑफ फोर पर्सन नॉट अरेंजमेंट, सो एम क्यू इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज फ्रॉम व्हेन यू सिलेक्ट एम क्यू फॉर द डिनर यू डोंट हैव एनी अदर वे टू फॉर्म द फोर मेंबर टीम, ओके, सो दिस वॉज द एल सेट पजल, थोड़ा ट्रिकी था बट you should know that how to approach, that is the main point, theek hai, so I hope this is clear to you, theek hai, so ek point jo main aapse bilkul clear kar dun ki dekho jitne zyada aap puzzles conditional ke lagaoge to aapko condition check karne ka way bahut clear ho jayega ki kitna data likhna hai aur kitna data se check karna hai, kaise options ko use karna hai aur kaise apan टीम फॉर्मेशन बनाते टाइम कैसे क्लूज को रिजेक्ट करते हैं, कैसे वेरिएबल रिजेक्ट करते हैं, और कंडीशंस, ये कंडीशंस सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन कंडीशंस का लिखने का वे होता है, कि जो आपने ये कंडीशंस लिखी हैं, ठीक है, बार बार स्टेटमेंट पढ़ोगे कंफ्यूजन होगा, तो अपन क्या करें एक बार उसको लिख लें, ठीक है, क्लियरली लिख लें, और फिर उसको अपन क्या करें यूज करें इंटायर दी सेट पर, ठीक है, तो कंडीशन जो लिखने का वे होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये जो मैंने अभी आपके सामने वे करा है लिखने का, जो कंडीशन का, आपको भी वैसे ही लिखना है जिससे आप इंटरप्रेट कर पाओ कि कंडीशंस कौन कौन सी फॉलो करनी है पजल को सॉल्व करते टाइम, ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इन दी कमिंग सेशंस आई विल बी डिस्कसिंग मोर पजल्स ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स फ्रॉम अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स, ओके, सो टिल देन गुड बाय, टेक केयर।